नाम योगेश पंदेरे, पनवेल से आया हूँ। मेरी मम्मी को ब्लड कैंसर था, CML बोलते हैं उसको, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। 2014 में डिटेक्ट हुआ था। 19 में मेरी सचिन सर से मुलाकात हुई। ट्रीटमेंट तो चालू था, आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा 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 उसको ठीक होने लगी थी। 19 से सर से मुलाकात हुई तो कैंगन के बारे में मालूम पड़ा, डेमो देखा, मैंने मशीन ली, सोचा कि कुछ शायद हो सकता है, लेकिन मिरेकल हुआ 6 महीने में। उसको रोज उल्टियां होती थी, वो कम होती गई, टॉयलेट में से स्टूल में से खून जाता था, उसकी वजह से HP ड्रॉप होता था। HP ड्रॉप होने की वजह से उसको हर 3 महीने में आयरन का इंजेक्शन देना पड़ता था और वो बहुत ही पेनफुल रहता है उसे देने के लिए, तो वो भी बंद हो गया। आज 2.5 साल से ऊपर हो गया है, उसको आयरन का इंजेक्शन भी नहीं दिया है, नाउ शी इज ओके। और उसको उसका वजन वेट बढ़ गया है, वो अच्छी तरह से वॉक करती है, स्किन बहुत ही वाइट ऐसी हो गई थी, वो स्किन भी अभी नॉर्मल होने लगी है आहिस्ते आहिस्ते। मतलब आज कोई भी उसको 3 साल पहले जिसने देखा है और जो आज देखता है तो वो बोलता है कि अरे आप तो पहले जैसे दिख रही है। तो ये मेरे लाइफ में बहुत बड़ा चेंज हुआ है। दूसरी बात है, मेरे हाथ पे भी सोराइसिस था, फोटो मैंने इनको दिया नहीं था शायद, मैं तब बाद में आपको दिखा सकता हूँ। तो मेरे हाथ पे सोराइसिस था और आज मेरा हाथ में दिखाता हूँ तो शायद आपको लगेगा नहीं कि यहाँ पे कुछ था। तो ये मेरा टेस्टिमोनी है। थैंक यू।